आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के सातों चरण की मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए मतदाताओं को ज्ञापित किया हृदय से धन्यवाद। सीसीटीवी के माध्यम से गोरखपुर विश्वविद्यालय में रखे ईवीएम मशीन के स्ट्रांग रूम की जा रही है निगरानी। जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, केंद्र सुरक्षा बल व जनपद पुलिस को स्ट्रांग रूम के बाहर किया गया है तैनात। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी कर रहे हैं निगरानी। गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत करवाई जा रही है पढ़ाई। साल में दो बार होगी परीक्षा, दोनों बार लगेगा परीक्षा शुल्क। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह ने दी जानकारी। मतगणना ड्यूटी में लगे आरओ व एआरओ का प्रशिक्षण निर्वाचन कंट्रोल रूम में हुआ संपन्न। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, अधिकारियों को बैलेट पेपर व ईवीएम से मतगणना की दी गई विस्तृत जानकारी। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान का जिलाधिकारी ने फीता काटकर एवं एक बच्चे को विटामिन ए का सिरप पिलाकर किया शुभारंभ। सीएमओ ने कहा, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को लगाया जाएगा टीका। गोरखपुर में सोमवार को पाए गए 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 237। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और घोष कंपनी स्थित हट्टी माई मंदिर परिसर में किया जा रहा है श्रीमद् भागवत कथा और ज्ञान यज्ञ का आयोजन। सोमवार को निकाली गई भव्य कलश यात्रा।